वो मेरा टॉपिक है बच्चे आज का, असर्टेशन एंड रीजनिंग, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये आपके पास फोर ऑप्शंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए कि यू विल प्रेस ए व्हेन एस वन इज ट्रू, एस टू इज ट्रू एंड एस टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस वन। ऑप्शन बी एस वन इज ट्रू, एस टू इज ट्रू बट एस टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन। ऑप्शन सी एस वन इज ट्रू बट एस टू इज फॉल्स एंड ऑप्शन डी एस वन इज फॉल्स बट एस टू इज ट्रू। तो आई एम राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन और आपको उसमें से जो भी ठीक लगे ठीक आपने आंसर लिख देना है। तो स्टेटमेंट वन इज फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इज इरेशनल। नंबर नंबर टू द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ये बच्चे मैंने दो स्टेटमेंट आपको क्या कर दी, प्रोवाइड कर दी। आपको इनमें से जो भी ऑप्शंस अच्छा लगता हो आप उस ऑप्शन को फिल कर। वेरी गुड, पोल आपके पास लॉन्च कर दिया मैंने, जो भी आपको इनमें से ऑप्शंस ठीक लगता हो फिल दैट। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से। अभी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं किया जबकि सबका आंसर आना चाहिए था इसमें। चेक कीजिए, हम जा रहे हैं बच्चे, ऑप्शन वन इज ट्रू क्योंकि फाइव माइनस अंडर रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और ये भी करेक्ट फॉर्मेशन है कि जब भी आप डिफरेंस करेंगे बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल तो वो नंबर ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। तो ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट वन इज ट्रू, सेकंड वन इज ट्रू, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब चेक कीजिए आप में से कितने लोगों ने ऑप्शन ए को करेक्ट लगाया। चेक कर लीजिए बच्चे। नाउ कम ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आ रहा हूं। नोट डाउन क्वेश्चन नंबर टू, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे और अभी आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज अंडर रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज योर स्टेटमेंट एस वन, एस टू स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर
इज एन इरेशनल। चलिए ऑप्शंस आपके पास ऊपर लिखे हुए हैं, गो अहेड विथ योर ओपिनियन, पोल इज रनिंग ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे और बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ जी, अब आप सारे अपना ऑप्शन बोल सकते हैं। व्हाट यू हैव सर, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए तो पोल तो अभी चल ही रहा है, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस वन। अच्छा बच्चे, आप सब में से किसी को ये तो डाउट नहीं होगा कि यस अंडररूट थ्री इज अ इरेशनल। तो दिस इज ट्रू। अब दूसरा ही दूसरा बच्चे ये है कि हम क्या लिखते थे कि अगर आपके पास परफेक्ट का अंडररूट करेंगे तो वो तो टू आ जाएगा, तो दैट इज अ रैशनल नंबर। बट अगर आपके पास कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे थ्री, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो सेकेंड वन इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट और सेकेंड वन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन वन। तो हमारा कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है, ऑप्शन ए। चेक इट, कितने कैंडिडेट ने इसको सही किया है। गॉट इट। तो 46% कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन को ठीक किया था, तो दैट्स गुड। बट जिनका ठीक नहीं हुआ तो वो उसको ठीक करें। तो ये मेरे दो क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर चैप्टर में से करवाए। तो अभी हम दूसरे पे चलते हैं। लीजिए क्वेश्चन बच्चे, आज असर्टेशन और उसी के करूंगा, और कुछ नहीं, ठीक, क्योंकि असर्टेशन एंड रीजनिंग नया पॉइंट है, तो इसीलिए क्वेश्चन इसी के होंगे। लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चंस को अगर नोट करना चाहें तो और भी अच्छी चीज है, नहीं करना चाहेंगे तो इट्स अप टू यू। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज स्टेटमेंट वन, फाइव माइनस फोर माइनस थ्री एंड सिक्स लाइज इन फोर्थ एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। कि पहले वाला फोर्थ में लग रहा है और दूसरे वाला सेकंड। S2
साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। Of a point are opposite in second and fourth quadrant. चलिए बच्चे स्टार्ट कीजिए, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। अगर आप क्वाड्रेंट सिस्टम बना रहे हैं तो यू नो इट, व्हाट इज अ क्वाड्रेंट सिस्टम? पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको इन दोनों पे फोकस करना है। देखो 5-4 ये फोर्थ में लाई करता है, कोई डाउट नहीं। और -3-6 किस में लाई करता है? सेकंड में लाई करता है, कोई डाउट नहीं। इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट तो क्या चलेगी, ट्रू। अब दूसरा ये देखो, ये पहले वाला सेकंड में नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। तो साइन अपोजिट हो गया ना, तो सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है कि सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में उनके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दैट मींस सेकंड इज आल्सो ट्रू एंड सेकंड इज आल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तो हम किस ऑप्शन को यहां पे चूज करेंगे? तो देखिए, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने आंसर देख लीजिए पहले, ऑलमोस्ट 60% ने ए चूज किया है, 27% ने बी भी चूज किया है। बट बी वाले बच्चे, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि उनके साइंस क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। हर एक चैप्टर में कोशिश करूंगा दो दो क्वेश्चन करवा। स्टेटमेंट वन, पॉइंट 0-8 लाइज ऑन वाई एक्सिस। एस टू, इफ वाई कोऑर्डिनेट of a point is 0, then the point lies on x-axis. Start कीजिए, poll आपकी screen पे आ गया है। Very good.
बच्चे वेरी गुड। पहले देखिए, अगर मैं फर्स्ट में जाऊं तो फर्स्ट वन इज ट्रू कि अगर किसी में x की वैल्यू जीरो होती है तो वो डेफिनेटली y एक्सिस पे लाई करता है। देखिए y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, देन इट विल लाई ऑन x एक्सिस, ये भी ट्रू है। बट बच्चे इसमें एक चीज है कि हम सेकंड को फर्स्ट की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते। सेकंड एक अलग चीज है, फर्स्ट एक अलग चीज, तो इसलिए हम इसमें किस ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन बी को चूज करेंगे। अच्छा एक चीज देखिए, कंफ्यूजन ए और बी में ही होती है, सी और डी में तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये वाला ट्रू है, ये वाला क्या है, फॉल्स है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो वो ए और किस में होगी, बी में ही होगी कि ये वाला ट्रू है या ये वाला ट्रू नहीं है। ओके तो इस फॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से क्या करना है, देखना है। आगे मूव करते हैं, डोंट वरी, अभी तो पार्टी शुरू हुई। ओके लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। मैं इसलिए ये बार बार अरेंज कर देता हूं सो दैट आपको जो इनके ऑप्शंस हैं वो देखने में दिक्कत ना आए। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्टेटमेंट वन, टू टू इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर, ये पहला ऑप्शन। ओके ऑप्शन टू, एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाई, मैं इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूं सो दैट आप भी इसको लिख सकें, द लीनियर इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। स्टार्ट इट, फिल कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा कौन कौन बता सकता है, चलिए बोलिए, आंसर बोलिए, देखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं। देखिए एक केस में बड़ी सिंपल सी बात ये हुई कि ये तो इसका सॉल्यूशन है ही है, ट्रू, और बड़ी सिंपल सी बात है, एवरी पॉइंट विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन। देखिए ये पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो दैट्स वाई हमने उसका क्या बोला, सॉल्यूशन बोला। तो ये इटसेल्फ भी ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसकी है, फर्स्ट की भी, तो वी विल गो विद ए। और आपके साथ और कितने परसेंट कैंडिडेट गए हैं चेक कीजिए, 72% कैंडिडेट आपके साथ और गए। ओके एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे इसी में, लेट अस स्टार्ट।
स्टेटमेंट वन, इफ द ग्राफ ऑफ 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 12 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3, 0, देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है बच्चे। कम ऑन टू सेकेंड स्टेटमेंट, फिर से वही आ गया, एवरी पॉइंट विच डज नॉट लाई ऑन द ग्राफ ऑफ लाइन इज also a solution. ये two statements आपके पास है। चलिए कौन से options को आप tick करेंगे, and here is the poll. वेरी गुड। देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक करेंगे बच्चे कि आप इसमें 3, 0 को फिल कीजिए। हाँ, पहले तो ये बताइए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहले वाले हाँ मैसेज कीजिए जरा, ट्रू है या फॉल्स है, फिर हम आगे डिसाइड करेंगे कि क्या आंसर आ रहा पहले वाला भी फॉल्स है। अच्छा दूसरे वाला भी फॉल्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ऐसा ऑप्शन तो मिला ही नहीं, हमें तो सिर्फ कितने ऑप्शंस मिले हैं, 4 ऑप्शंस मिले हैं। तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन इसीलिए करवाया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपको वही क्लियर करने लगा हूं कि आपने ना ऐसे नहीं सोचना कि आपको जस्ट यही वाले 4 ऑप्शंस आए। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिखा था
कि ऐसे नहीं सोचना कि जस्ट पहला ऑप्शन यही होगा, दूसरा ऑप्शन यही होगा, तीसरा ऑप्शन यही होगा और चौथा ऑप्शन ये होगा। आप इन ऑप्शंस को जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो तब दिया जाएगा, हो सकता है वो आपके साथ एक ऑप्शन और जोड़ दे, व्हेन फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज फॉल्स, तो फिर हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ई के साथ चले जाएंगे। और अगर उसने ई नहीं दिया, जैसे मैं कह रहा हूं नहीं दिया, तो फिर डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर आप इन चारों के साथ ही जाओ। गॉट माई पॉइंट? तो आपको ध्यान देना है कि वहां पे ऑप्शंस क्या दी गई हैं। फिर से सुन लीजिए, आपने ऐसे नहीं सोचना कि ये चारों ऑप्शन ही आएंगी, पहले आप ऑप्शंस को देख लीजिएगा, आपके पास ऑप्शंस किसी भी टाइप से लिखे जा सकते हैं, ठीक। जैसे इसमें मैंने दिया तो नहीं, बट मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया तो दोनों फॉल्स थे, तो डेफिनेटली वहां पे आपके पास एक ऐसा ऑप्शंस होगा। तो आपने ऑप्शंस को डेफिनेटली रीड करना है जब आप इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मैं इसमें यही आपको बताना चाहता था। चलिए तो आगे मूव करते हैं बच्चे इसी क्वेश्चंस पर। बट एक चीज आपको बताऊं, इंटरेस्टिंगली आंसर देखिए जरा। सभी ने अकड़ बकड़ कर दिया, अभी कुछ ना कुछ लगा दो, कहीं हम पीछे ना रह जाए। एंड किसी ने भी मेरे को ऐसे लिख के नहीं भेजा कि सर इसमें दोनों क्या है, फॉल्स है। चलिए कोई बात, लेट अस स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन। And your options is S1. लिखे क्या है? The bisector of linear pair is always form right angle। पहला ऑप्शन टू, सॉरी ऑप्शन बोल गया, स्टेटमेंट टू, इफ सम ऑफ एंगल इज 180 then non-common sides make straight line। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से जल्दी से। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, एक आपके पास क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चे? तो जब उसका आप बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो डेफिनेटली कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो फर्स्ट वन इज ट्रू। अगर दो एंगल्स का सम, देखिए दो एंगल्स का सम 180 है,
तो नेचुरली है उसकी जो नॉन कॉमन साइड्स हैं, देखिए ये वाली तो कॉमन साइड होगी ना, तो ये जो नॉन कॉमन साइड्स हैं वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 180 का, तो सेकंड भी ट्रू है। बट मैं सेकंड को फर्स्ट की क्या नहीं बोल सकता, एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकता, तो हम किस ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे जाएंगे। कंफ्यूजन वाला पार्ट बचे ए एंड बी है। अब नेक्स्ट आ जाए, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, फर्स्ट एंड सेकेंड इज पैरेलल, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। आपको स्टेटमेंट वन दी गई बच्चे, एंगल थ्री प्लस एंगल सिक्स इज इक्वल टू 180। स्टेटमेंट टू दी गई, एंगल फाइव इज इक्वल टू एंगल सिक्स, नहीं बच्चे यहां पे आपने लिखना था, मैं थोड़ा सा सॉरी गलत कर गया, एंगल फाइव इज इक्वल टू सेवन, मैं दोबारा से पोल लॉन्च कर रहा हूं, दोबारा से फिल कीजिए, अच्छा आप मेरे को एक सारे बच्चे बताइए, क्या मैं पहली स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकता हूं बच्चे, लीजिए आप सारे ओपन है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बिकॉज़ दे आर कोइंटीरियर, यस सर। चलिए तो क्या मैं सेकंड को ट्रू बोल सकता हूं, ये भी यस है, बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे जिसके साथ आप सभी गए हुए हो, ऑप्शन बी। तो बच्चे ये थे कुछ क्वेश्चंस किसके बेस वाले, असर्टेशन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। ओके okay?